एक फिल्म ऐसी थी जिसका पैरेलल ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो गए, लेकिन न सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड ओवर उसका कोई पैरेलल हमें मिला नहीं। वो फिल्में कई लेवल पे हमें छूती हैं, स्क्रिप्ट के लेवल पे, एक्टिंग के लेवल पे, डायरेक्शन के लेवल पे, और वो फिल्म हमें ये दिखाती है कि भाई फिल्में पैसों से कहीं ज्यादा पैशन से बन जाती है। एंड दैट फिल्म इज जाने भी दो यारों। तो कुंदन जी, इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद कितना टाइम लग गया था आपको अपनी पहली फिल्म, मतलब जाने भी दो यारों बनाने में? 81 में जाने दो सैंक्शन हुई। ओके। वो भी वहाँ भी मैंने खाली लोन के लिए अप्लाई किया था। ओके। वो लोगों ने, मतलब आपको तारीफ करनी होगी वो स्क्रिप्ट कमेटी की, क्योंकि जो लिखा है, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, जो शूट हुआ है वो अलग है, जो स्क्रिप्ट पास हुई भी वो अलग है। वो पूरी कन्वर्सेशन रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर के बीच में थी। ओके। कौशिक, सतीश कौशिक, मतलब एज ए पर्सन ये दोनों के साथ बात कर रहे हैं और नसीर उनको इम्पर्सनेट कर रहा है। ओके। तो पूरा पॉलिटिकल सटायर था उधर। जी। अगर मैं जेनेसिस पूछूं कि कब आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस कहानी पर फिल्म बनानी है? कॉमेडी की शुरुआत मैंने वहां से की थी, इंस्टीट्यूट से, क्योंकि जब पहले मुझे खुद को, मैं कॉमेडीज इतनी देखता भी नहीं था। एक्चुअली यस, हम दोनों के खुदा एक ही रहे हैं, सर चार्ल्स चैपलिन। मैं आपको बताऊं, एज एन एक्टर हमने कितना शूट किया ये पिक्चर, मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है, और वो मेरे दिमाग में अभी तक वो बात घुसी हुई है। हमने बहुत ज्यादा शूट किया, क्योंकि एडिटेड फाइनल एडिट, मतलब वो सब टाइट एडिट, 3.25 घंटे का। बहुत टाइट एडिटिंग है, टाइट एडिट, 3.25 घंटे का, और पिक्चर जो रिलीज हुई वो 2.25 घंटे, 2 घंटा 24 मिनट हुई। ये रेनु सलूजा ने एडिट की थी। हाँ, रेनु सलूजा, तो मतलब करीबन 1 घंटा काटा है। रेनु को जाना चाहिए ये पिक्चर, वो जो एडिट हुआ है। और क्या कमाल की एडिटिंग है, कमाल की एडिटिंग। और ये एक एडिटर जो मैं देखता था कि हर शॉट में साथ होती थी, शूटिंग्स पर ये बहुत रेयर शॉट का इल्म होता था, तो उसे पूरी कंटिन्यूटी पता होती थी, उसको पूरी जो एटिमोलॉजी होती थी पिक्चर की वो पता होती थी, हर सीन की एटिमोलॉजी पता होती थी। सीन बहुत लिखे गए थे, लेकिन जब लेंथ इतनी बढ़ गई तो मेरे ख्याल से 2/3 स्क्रिप्ट हम लोग ने शूट की, 1/3 तो शूट भी नहीं की। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है उसमें एक गोरिल्ला का सीक्वेंस भी था। हाँ, गोरिल्ला सर्कस से छूट जाता है। ओके। और वो जाके पनाह लेता है किसी गोडाउन में, उसी गोडाउन में ये दो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी वहाँ आके छुपते हैं बिल्डर से, और गोरिल्ला उनको मिल जाता है, ये डर जाते हैं, ऐसा कुछ था। और नहीं नहीं, उसमें तो क्या होता है, वो सोचते हैं गोरिल्ला से डर जाते हैं। हाँ। और गोरिल्ला बेचारा बहुत डिप्रेस्ड है। हाँ, और वो पॉलिटिक्स बोलने लगता है। वो उनको बोलता है, यार तुम डरो नहीं मुझसे, मैं खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ बहुत। वो गोरिल्ला जो बात करता है, वो सर्कस से भाग कर आया था। सीन में ये था कि वो सर्कस से भाग जाता है और सोचता है कि दुनिया कितनी अच्छी होगी, ये फाइनली वो दुनिया को देखता है, तो वो सवाल बेसिक जो होते हैं कि क्यों गरीब, क्यों अमीर, क्यों ये, क्यों वो, तो वो सवाल जो करता है, और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो बैक टू सर्कस चला जाए। ओके। एक डिस्को किलर का पूरा कैरेक्टर, अनुपम खेर की इंट्रोडक्शन थी। हाँ, ये अनुपम खेर की पहली पिक्चर होने वाली है, और उसका नाम आप देखें तो टाइटल में है, मगर पिक्चर में वो नहीं है। ऑलराइट। आज अगर ऐसा हो और ऐसी पिक्चरें बनाई जाए जिसमें कि, मतलब होता ना जिसे थिएटर में करते हैं, जाने भी दारू वाज मेड लाइक दैट, यू नो, बिल्कुल लाइक रेपर्टरी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के। मैंने विनोद प्रधान इतने बड़े, तब भी वो बड़े थे, बहुत अच्छा तो मैंने उनको एक ही सेंटेंस कहा था कि देखो विनोद, वी आर शूटिंग ए कॉमेडी, और जो कैमरा के आगे हो रहा है इज फार 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 मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा, तो वो तुम समझ लो। yes. क्योंकि इसमें लाइटिंग यहाँ वहाँ हो जाएगी तो चलेगा। This is where थोड़ा ये comes in. क्योंकि एक्शन इज डोमिनेट्स योर टेकिंग, कॉमेडी आप ऑलमोस्ट, कैमरा बिकम्स अ डॉक्यूमेंट्री, यू नो, यू आर रिकॉर्डिंग कॉमेडी, इट कैन नॉट क्रिएट इन आफ्टरवर्ड। और मैं कहना चाहूंगा ये फ्लॉलेस फिल्म है, मतलब मुझे इस फिल्म के किसी भी सीन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अगर फिल्म में नहीं होता ये सीन तो भी फिल्म बन जाती, हर सीन उतना ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही स्लिक फिल्म है ये। एक मजे की बात आपको बताऊं, पहला दिन शूट का
आपको याद होगा वो फेमस सीक्वेंस तरापे में ऊपर जाते हैं। जी जी जी। ओरे बाप रे बाप। और विनोद प्रधान नेचुरली, मगर उसको एक फायदा था वो नीचे लेट के ले रहा था शॉट, तो जैसे ऊपर गई तो फिर वो घूमने लगी तो कुछ टेक में वो ऐसे घूमती थी फिर वापस ऐसे हो जाती थी। और आप सोचिए हम 80 फीट 90 फीट ऊपर जा रहे हैं और ये लोग, वो इतना लंबा शॉट था, वन शॉट टेक था और उसमें किसी ने गलती नहीं की, वो वन शॉट ओके हो गया क्योंकि सबकी पहला शॉट था, फिल्म का पहला शॉट हुआ था कि अगर मरे तो फिर रिप्लेस हो जाए। और मैंने कुंदन से पूछा, कुंदन किसी को कुछ हो जाता तो ह्यूमर तो इसके आसपास से नहीं गुजरा, तो सीरियसली इसने मुझसे कहा क्या फर्स्ट डे शूट है ना, अगर हादसा हो गया तो आई कैन चेंज दिया।